टिकमगढ़ शहर के मऊचुंगी रोड पर स्थित आरटीओ ऑफिस के सामने कुछ लोगों ने आकर ड्राइविंग लाइसेंस सलाहकार बंटी गोस्वामी पर मारपीट की और कट्टे से हवाई फायरिंग करते हुए जान से मारने का प्रयास किया। आरटीओ विभाग में उनके कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसको लेकर उनके द्वारा मेरे साथ बहसबाजी की गई और गाली गलौज की गई। इसके द्वारा हवाई फायर करने पर जान से मारने का कथित प्रयास किया गया। इसके बाद जाहिर होता है कि आरोपियों के हौसले कितने बुलंद हैं। इस घटना को लेकर ड्राइविंग लाइसेंस सभी सलाहकार बंटी गोस्वामी के साथ देहात थाना पहुँच कर घटित मामले की शिकायत दर्ज कराई गई और आरोपियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की पुलिस प्रशासन से मांग की है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि राजेश साहू, परवेश साहू और राहुल ठाकुर महानी के द्वारा आरटीओ कार्यालय के सामने आकर उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की नियत से फायरिंग की। इस पर अपराध क्रमांक 237/21-12-307 आई किसी का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। गिरफ्तारी सर टीम रवाना कर दी गई है, संभवतः जितनी जल्दी होगी हम उतनी जल्दी उनको पकड़ेंगे। थैंक यू सर। मामला आज साउथ दोहरा के उनके भाई की कुछ फाइलें पड़ी हुई थी आरटीओ पर। आरटीओ साहब निरंतर गायब रहते हैं, चक्कर में वो फाइलें हो नहीं पाई। उस चक्कर में वो हमारी दुकान पे आए और ऑब्जर्व की बात की, गाली गलौज की। हमने कहा आप गाली न दें, कृपया आपकी गाली देने से आपके प्रकरण को सॉल्व थोड़ी हो पाएगा। तो तमाम बातचीत होने के बाद से उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कमरे से कट्टा निकाल के मेरे को फायर किए। उनका भाई और एक साथ में उनके साथी राहुल ठाकुर भी था। और इस घटना से मैं बड़ा क्षुब्ध हूँ। टीकमगढ़ के अंदर ये नई घटना है जिसमें खुलेआम गोलियाँ चलाई जा रही हैं। अपराधियों को किस किस का संरक्षण है, ये जांच का विषय है। और मैं चाहता हूँ कि इस मामले में पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे और मुझे न्याय। सर कितने लोग थे वो लोग, उनका मामला क्या था, उनके पास क्या फाइलें पड़ी हुई थी आपकी, ये सब डिटेल में तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। बट गोली चलना एक निंदनीय घटना है। कारण गोली चलाने के पीछे कोई दुर्गस्त कारण होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। गोली आदमी साधारण किसी बात पे थोड़ी एकदम गोली चला देगा। तो रीज़न जो वो है, वो जब पकड़े जाएंगे तो सतह बताएंगे। कितने लोग थे सर? वो तीन व्यक्ति थे आगे और उनके पीछे 8-10 लोग और मोटरसाइकिल से थे। वो एक गाड़ी से आए थे अर्टिगा से, जो उनकी खुद की है। और ये मैं उनको पिछले 10-5 साल से जानता भी हूँ, क्योंकि वो पहले मेरे पास काफ़ी आते भी थे। सर हथियार सभी लिए हुए थे कि एक ही लिए हुए थे? मैंने दो लोगों को देखा था हथियार के साथ, उन्होंने गोली चलाई। बाकी इस घटना के लिए आए थे तो हथियार तो लगभग सबके पास होने ही चाहिए। धन्यवाद। ठीक सर, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।